हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था कि सरसगढ़ के लिए ट्रैक करते वक्त हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कुछ थ्रिल भी हमें एक्सपीरियंस किया, और हमने ये गुफा भी देखी थी। तो आइए अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ से गढ़ के लिए स्टेयर्स स्टार्ट हो गए हैं। ये कंप्लीट रॉक कट स्टेयर केस है। अभी यहाँ से आप देख सकते हो उनकी हाइट कितनी बड़ी है। सो बहुत थकने वाले हो आप, बट लेट्स स्टार्ट। अभी थोड़ा ही बाकी है तो आगे चलते। आप देख सकते हो लगभग घुटने जितनी ऊंची ये स्टेप्स है, और ऐसी 96 स्टेप्स हमें चढ़नी है। ऊपर से धूप और इनकी ऊंचाई, इससे जब थक जाते थे तो बीच बीच में रेस्ट कर लेते थे। क्या आपको पता है ये उन किलों में से एक था जिसे अहमदनगर के मलिक अहमद निजाम शाह प्रथम ने 1485 में अपने कोंकण अभियान में कब्जा कर लिया था। शिवाजी महाराज जी ने इस किले की मरम्मत के लिए 2000 होन दिए थे। होन का मतलब है शिवाजी महाराज जी के समय में मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला स्वर्ण सिक्का। सो फाइनली हमें दिख रहा था कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। दिस इज रियली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सरसगढ़ को पगड़ीचा किला भी कहा जाता है, क्योंकि ये मराठी शैली की पगड़ी जैसा दिखता है। तो बहुत सारी मेहनत और कष्टों के बाद हम फाइनली किले के फर्स्ट डोर पे आ गए हैं। इसको कहते हैं किले का ये जो प्रवेश द्वार है, इसका नाम है दिंडी दरवाजा, और ये सरसगढ़ के लिए पहला डोर है। और आप देख सकते हैं इसका डिजाइन, ये बाद में बनाया गया है, बट बिल्कुल ऐसा बनाया है कि उस टाइम पे कैसा दरवाजा होता होगा वैसी डिजाइन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। तो आइए अंदर एक्सप्लोर करते हैं। दिंडी दरवाजा से अंदर आते ही आपको ये जो दिख रहा है, यहाँ पे सैनिक अपना पहरा देते थे। कुछ ही स्टेप्स ऊपर आने के बाद यहाँ से व्यू कुछ ऐसे दिख रहा था, और हमें वहाँ ऊपर जाना है। ये सीन बिल्कुल ड्रीमी लग रहा था, जैसे मैंने सपनों में कई बार देखा हो। अभी हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर बाली किला और केदारेश्वर टेंपल भी है। और यहाँ से नजारा देख के सारी थकान दूर हो गई। थोड़ा आगे आने के बाद हमें ये छोटा रास्ता दिखता है, इसको चोर दरवाजा बोलते हैं। और ये बिल्कुल छोटा सा रास्ता है जहाँ से छोटी छोटी स्टेयर्स बाहर के लिए जाती है। आगे जाके हमें ये पानी की टंकी दिखाई देगी, उसमें कुछ फिशेज भी है। ऐसी कई टंकियां हमें इस किले पे मिलेंगी आगे जाके। और एक थी जिसका नाम है औदुम्बर हौद। क्योंकि मॉनसून चल रहा है तो घास बहुत लंबी हो गई है, और इसकी हाइट हमारी हाइट से भी ज़्यादा है। अगर आप किसी भी ट्रैक पे जाते हो तो ट्राई करें कि फुल स्लीव्स पहने, ताकि इनसे आपको कोई एलर्जी ना हो। ये इलाका हरियाली से भरपूर है, और इसके आसपास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है। यहाँ जानवरों, पक्षियों और पौधों की कई अलग अलग प्रजातियाँ आपको मिलेंगी। और हमें यहाँ ऊपर तक जाना है। आगे आने के बाद हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ये गुफाओं जैसा लग रहा है। यहाँ पे छोटी छोटी रूम्स भी दिखाई दे रही है,
ऊपर छत भी है और हाँ यहाँ देख सकते हो अंदर जाने के लिए स्टेयर्स भी है। थोड़ा और आगे आने के बाद एक और पानी की टंकी दिखाई दी और यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। दूर दूर फैली हुई पहाड़ियाँ और ये ऊपर आसमान में बादलों का ड्रामा। और कुछ देर चलने के बाद हम महाद्वार तक आ पहुंचे। बीच बीच में यात्रियों को मार्ग दिखाने के लिए यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। आखिर क्यों? ऐसे क्यों? थोड़ा सा टफ तो है भाई ये। ठीक। अब तक हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। ऐसे लग रहा था कि कब पीक तक पहुँचेंगे और खुशी की सांस लेंगे। एंड फाइनली हम बाले किले पे पहुँच गए हैं। यह है बाले किला और यहीं पे एक तालाब है और यह है केदारेश्वर टेम्पल। यहाँ पर केदारेश्वर यानी कि शिवजी का एक छोटा सा टेम्पल बनाया गया है। इसमें एक शिवलिंग है और एक छोटा सा नंदी भी। दर्शन करने के बाद हमने वहीं पे थोड़ा रेस्ट किया। और अब इतने मेहनत करके टॉप पे आए हैं तो बर्ड्स आई व्यू तो बनता है। तो आगे के दृश्य अब ड्रोन की नज़र से देखते हैं। ऊपर से पाली गांव के साथ साथ अम्बा नदी का भी व्यू बहुत खूबसूरत दिखता है। और अब टाइम था नीचे उतरने का और फिर हमें बल्लाड़ेश्वर गणेश जी के दर्शन भी तो लेने थे। नीचे जाते वक्त पता चला कि अब हालत तो और भी खराब हो गई थी। और फिर नीचे आने के बाद हम पहुंच गए बल्लाड़ेश्वर गणेश टेम्पल जो कि अष्टविनायक गणेश में से एक है। वसई पर जीत के बाद चिमाजी अप्पा ने बल्लाड़ेश्वर मंदिर को एक पुर्तगाली घंटा दान की थी जिसे वह 1739 में वसई से लाए थे। क्या आपको इसके बारे में और जानकारी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फिर हमने गणेश जी के दर्शन लिए और पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे अब तक। टेम्पल के बिल्कुल सामने ही है ये भोजनालय। तो आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। लतिका एंड नितेश साइनिंग ऑफ। जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।